पाकिस्तान से मिल रही युद्ध की धमकी के बीच में एक अच्छी खबर है भारत के लिए कि पड़ोसी राज्य जो चीन है वो भारत से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने बुलाया और एक शिष्टमंडल यहां से गया जो 25 तारीख को जाने के बाद में 1 तारीख को जिसकी वापसी होती है। उस शिष्टमंडल के अहम सदस्य थे झारखंड से राज्यसभा के सांसद महेश पोद्दार जी। महेश पोद्दार जी मेरे साथ हैं सर, R90B पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभी जिस तरीके के पूरे विश्व में एक खेमेबंदी चल रही है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे टारगेटेड है और हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, वैसी परिस्थिति में चाइना उसे लगातार मदद कर रहा है, ये भी विश्व परिदृश्य में पटल पर साफ तौर पर दिखता है। ऐसे में ये शिष्टमंडल कितना लाभकारी होगा भारत और चीन की दोस्ती को लेकर? समझते हैं कि चीन आउट एंड आउट भारत की कीमत पे पाकिस्तान को समर्थन देगा, ऐसी बात गलत है। चूँकि अगर ऐसा होता तो वो हमें जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, हमसे जिस तरह से बातें की और जिस तरह से भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं, वैसी बातें नहीं होती। पाकिस्तान आज अकेला पड़ गया है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सफल कूटनीति का परिणाम है और इस कारण वो धमकी वगैरह दे रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि चीन भी उसे एक हद तक सपोर्ट करेगा, उसके आगे वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए अंतिम सवाल आपसे, विश्व व्यापार को लेकर भी और साथ में जो ये शिष्टमंडल गया वो कितना आश्वस्त हुआ कि चाइना से फिर से हमारी वो दोस्ती हो पाएगी, क्योंकि सवालों के घेरे में रहा है? इस शिष्टमंडल को ये आभास अवश्य हुआ कि हमारी भावना चीन समझ रहा है और इस पे वो कुछ अपने तरफ से कुछ सकारात्मक पहल करेंगे और एक सुधार की स्थिति आएगी। मतलब आप आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आश्वस्त हैं कि चाइना के साथ, चाइनीज सरकार के साथ एक अच्छे संबंध जरूर बनेंगे और यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति भी अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत चीन के संबंधों को एक नया आयाम मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R90B रांची।